हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होता आरं रत्नधातमं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज आप सभी के बीच में आने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ और आज हम सब मिलकर के मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो विभिन्न कर्म हैं उसमें जो श्रेष्ठतम कर्म, उत्तम कर्म कोई कहा गया है तो वो यज्ञ कर्म को कहा गया है। तो आज हम सब मिलकर के इस यज्ञ कर्म को हम संपन्न करेंगे और उसके विषय में थोड़ा सा हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस यज्ञ को यदि हम करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ और कैसे कैसे लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये जो हम अभी हवन सीखेंगे, आपने बहुत सारी जगह पे यज्ञ देखा होगा ना, अलग अलग हम बहुत सारे प्रकार के यज्ञ करते हैं। शास्त्रों में मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए गए। उसमें से आज जिन यज्ञ के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे, करेंगे, ये दो यज्ञ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, करेंगे। इसको कहते हैं देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ? चिकित्सा यज्ञ। ये दो यज्ञ के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। इस यज्ञ को करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? सामान्य रूप से हम यज्ञ करते हैं बहुत लंबी लिस्ट होती है ना, इसमें तीन चीजें चाहिए। एक समिधा, समिधा मानी हवन के लिए जो प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी, मदार, अपामार्ग, बिल्व आदि आदि, और गाय के गोबर की, जैसे आज हम प्रयोग करेंगे गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी है, समिधा है। तो यज्ञ के लिए जो प्रयोग करते हैं, एक तो हमें चाहिए समिधा, दूसरा हमें चाहिए सामग्री। सामग्री मानी अलग अलग जड़ी बूटियों से निर्मित, औषधियों से निर्मित, इसको कहते हैं हवन सामग्री। इसमें हम केवल चावल से भी हवन कर सकते हैं, अक्षत होते ना बिना टूटे हुए चावल, उससे भी हवन कर सकते हैं, केवल काले तिल से भी हवन कर सकते हैं, इन दोनों को मिला करके भी हवन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ अपने घर के अंदर दालचीनी से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियां, इलायची, लौंग, दालचीनी आदि होती है, उसको भी मिला करके हम हवन सामग्री के अंदर वो कर सकते हैं। अन्यथा ये तैयार भी हवन सामग्री मिलती है, इसके अंदर गिलोय से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियां होती हैं। और ये जो अलग अलग आपके सामने रखी है डिब्बे में, ये अलग अलग हवन सामग्रियां हैं, रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ तैयार हुई कि रोग विशेष हो गया है तो उस जड़ी बूटी विशेष का हवन करके और उसका जो धूम्र होता है उसमें श्वास प्रश्वास करने से वो रोग ठीक होते। तो इस प्रकार ये रोगानुसार हवन सामग्री होती है। और तीसरा हमें चाहिए गाय का शुद्ध देसी घी। ये तीन चीजें हैं। तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये दोनों ही यज्ञ को हम कर सकते हैं। तो आइए हम सब सीधे बैठ करके ये यज्ञ को संपन्न करेंगे। आप सब लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर लिया है तो हम अब यज्ञ प्रारंभ करेंगे। पहले यज्ञ करेंगे फिर उसके बारे में जानेंगे हवन करने के लिए। और एक और विशेष बात, हवन करने के लिए हमें पंडित चाहिए ना। ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ ये तो ऐसे यज्ञ होते हैं, इसके लिए हमें कोई पंडित, ब्राह्मण आदि की आवश्यकता नहीं होती है और ये 5-10 मिनट के अंदर संपन्न हो जाता है। कितने मिनट में? वरना तो उसमें घंटे घंटे लगते हैं ना, इसमें इतना टाइम नहीं जाए, 5-10 मिनट लगती हैं। कोई पंडित की आवश्यकता नहीं होती, कुछ छोटे छोटे मंत्र होते हैं उसको हम स्वयं याद करके
और उसको हम कर सकते हैं। और इससे अतिरिक्त देखिए, जब हम ये यज्ञ करते हैं तो सामान्य रूप से हम किस लिए यज्ञ करते हैं? एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड, एक अदृष्ट को देख करके खासतया यज्ञ किए जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो यज्ञ होता है वो वैज्ञानिक भी होता है। ये साइंटिफिक रूप से हम देखें तो कई सारे लाभों को देता है, तो उन लाभों को हम जानेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे। तो आइए, करने के लिए पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठ करके 3 बार ओमकार का उद्घोष करते हैं। ओ बार ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण के बाद आपके पास जो छोटी सी कटोरी है उसके अंदर जल रखा हुआ है, उसमें से अब अपने दाएं हाथ की राइट हैंड जमना हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे बिना आवाज किए। इसको कहते हैं आचमन। क्या कहते हैं? ये एक पवित्रीकरण शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मै श्री श्रयताम स्वाहा। आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो आपके पास छोटी सी प्लेट है ना, उसमें अवशिष्ट जल को डाल देंगे, हाथ को धो लीजिए। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में दाबा हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए एक एक मंत्र से एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए इसकी पवित्रीकरण शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग महास्यस्तु। ओम नसोर में प्राणोस्तु। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते थे। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न किया। इसके बाद 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं और विशेष रूप से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ये जो हवन प्रारंभ करते हैं, वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्र के पाठ के साथ हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना भी कर सकते हैं। और यदि वो ना करना चाहें तो आप सीधा भी हवन प्रारंभ कर सकते। तो आइए अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। अपने हाथ में तिल्ली ले लीजिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर भुवः स्वः। माचिस की तिल्ली को नीचे जो स्टील की थाली है उसके अंदर डालेंगे, स्टील की थाली के अंदर रखिए। अब श्रू के अंदर अग्र भाग में कपूर की 1-2 टिकिया आप रख लीजिए, श्रू के अग्र भाग में ऐसे। और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तब इस क-
कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के अंत में जब मंत्र का पूर्ण होती हो तब इसको हवन कुंड के बीच में जो रुई रखी है ना अंदर में उसके ऊपर इस प्रदीप्त कपूर को रख देंगे, अग्नियाधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायाद दे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए और आपके पास जो गाय के घी से भिगाई हुई जो लकड़ी है ना उसमें से एक लकड़ी को लीजिए और उसको उसके ऊपर आड़ी, नीचे से जो लो उठ रही है उस लो के ऊपर एक आड़ी रख दीजिए और एक आड़ी रख दीजिए उसके ऊपर समीधा, जिससे वो अग्नि अग्नि की जो लो है वो सीधी उसको टच हो। हाँ, अब ये जो दीपक है उस दीपक को जो आपका ईशान कोण है उधर छोड़ देंगे। अब आइए अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान एक या दो गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो आपके पास समिधाय गाय के घी से भीगी हुई रखी ना उसमें से एक समिधा को एक हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति ऐसे दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़िए और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे ना तो स्वाहा के साथ इस समिधा का आधान करेंगे और इस प्रकार से समिधा रखेंगे कि दो समिधा जैसे हमने पहले रखी ना ऐसे ही दो समिधा, फिर उसके ऊपर आड़ी, फिर दो उसके ऊपर, ऐसे रखेंगे तो चारों ओर से हवा उसको मिलेगी और ऊपर से अग्नि को निकलने की जगह भी रहे, इस प्रकार से करेंगे। ओम अयंतैत्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय सोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पांच गाय के घी की आहुति देंगे। आपके पास जो गाय के घी का पात्र है उसको थोड़ा इस प्रकार रखेंगे तो थोड़ी गर्म भी हो जाएगा घी और पांच गाय के घी की हम आहुति प्रदान करेंगे स्वाहा के साथ। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब घी के पात्र को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए और आपके पास जो कलश रखा है ना उसको अपने पास ले लीजिए। एक हवन कुंड के ऊपर कोई एक व्यक्ति, एक हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति कलश लेंगे और अपने दाएं हाथ राइट हैंड जमुना हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे कलश से और मंत्रोच्चारण के बाद हवन कुंड की जो पूर्व दिशा है उस दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे और जल सिंचन करते हुए हम ध्यान रखेंगे कि ये पानी गाय के घी के पात्र में सामग्री में या हवन कुंड के अंदर एक भी बूंद गिरने नहीं देना है। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे। आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उस पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरा जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में माने आपका जो दाबा हाथ है उस साइड की जो दिशा उसमें आपकी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए मंत्रोच्चारण के बाद ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और जहां दीपक रखा है वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपो के तम न पुना तो वाचस्पतिर्वाचन स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर दिया। इसके बाद अब हम चार गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। पहली हवन कुंड के मध्य में प्रदीप संहिता में जो उत्तर दिशा में प्रदीप संहिता है उसके ऊपर पहली आहुति, दक्षिण दिशा में प्रदीप संहिता के ऊपर दूसरी आहुति, पश्चिम से पूर्व की ओर सामने की ओर धारा बनाते हुए और दो हवन कुंड के बीच में से चार गाय के घी की विशेष आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब जो आपके पास प्लेट में सामग्री जड़ी बूटियां रखी है ना उसकी भी हम अब आहुति देंगे। अपने राइट हैंड जमुना हाथ की मध्यमा अनामिका और अंगूठ तीनों उंगलियों के माध्यम से ऐसे मंत्र के पहले ओम बोलते हैं ना तब ऐसे सामग्री लेंगे और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलेंगे तो सीधा हाथ रखकर सीधा हाथ से स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ऐसे ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से देंगे। ठीक है आइए। हाँ एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे बाकी सब लोग सामग्री की आहुति देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम।
ॐ भुवर्वाय वेपानाय स्वाहा इदं वायवेपानाय इदन्नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा जिनको SLMS ऑटोमेंडिजीजी है, एंकोजंसप्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा उपाय। तो ये यज्ञ थेरापी है, मेरे साथ बोले क्या है, यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीना, मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था, मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और कृतहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोमेन डिजीज है, MND है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निदार के पानी पीने के लिए बोला है, अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा हूं, तो उसका क्वाथ बन जाए, तो पानी पीना दिन और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट हो जाती। और जिनके भी शरीर में रोग है, खास करके कैंसर, ऑटोमेन डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग है, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जीए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं, हमने रिसर्च कर लिया है। ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहां तो बंद कर रहा हूं, आरओ वाटर, तो क्या कर रहे हैं हम, यहां पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म, यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको, ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर। तो जिनको भी
बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोग, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, बताओ ये कोई बात है? बोले स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना हो जाए ये तो चलो भगवान, गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूँ, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी, बताओ मेरे जैसे योगी को, क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये दो तुम तो पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। अब क्या करें, सारी दुनिया ही बावली हो रखी। चलो तो किसका पानी पीना? यज्ञ की भस्म का। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।